आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पेट में अल्सर यानी घाव क्यों हो जाते हैं, यदि हो गए तो उसका घर पे कैसे इलाज करा जा सकता है, या फिर आप एक बार होने के बाद दोबारा ना हो उससे कैसे बचा जा सकता है, और किस कंडीशन में हॉस्पिटल जाके क्या जांच करानी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दो पॉइंटों का ध्यान आपको पता होना चाहिए इलाज के लिए। पहला पॉइंट आता है कि आपके अल्सर कहाँ है, क्या खाने की थैली में अल्सर है, या फिर आपके इंटेस्टाइन यानी आपकी आंत, जो पहला पार्ट आंत का ड्यूडेनम है, वहां अल्सर है क्या। मोस्टली अल्सर इन दो जगह होता है। इसका पता कैसे कर सकते हैं, हमारे दर्द कहाँ है। मोस्टली तो देखो अल्सर का दर्द होता है जो आपकी नाभि है उसके ऊपर साइड और बाईं तरफ होता है। अब जब आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके खाना खाने के बाद आपको ये दर्द बढ़ जाता है, देखो आपको टाइटनेस पेट का और हल्का हल्का दर्द तो हमेशा महसूस रह सकता है, पर खाना खाने के आधा एक घंटे बाद आपको बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इसके मतलब जो अल्सर हैं आपके खाने की थैली में। अगर आपकी आंत में अल्सर हैं तो आपको खाना खाने से पहले दर्द होगा तो आप खाना खाओगे, मोस्टली रात के 2-3 बजे आपको महसूस होगा कि बस मैं कुछ खा लूं, जलन होगी आपके पेट में, तो इसका मतलब वो ड्यूडेनल अल्सर है। क्योंकि खाना खाते हो तो उस टाइम उस खाने को गलाने के लिए हमारा जो खाने की थैली है वो एसिड रिलीज करती है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि दिन भर में 2 से 3 लीटर एसिड बनता है जब हम खाना खाते हैं, तो एसिड उसको गलाने के लिए बनता है। पर हमारे खाने की थैली के अंदर एक लेयर पाई जाती है जो फैटी लेयर होती है, वो फैटी लेयर और हमारे जो खाने की जो अपनी टिश्यू है ऐसी स्किन जैसी, उसको एसिड टच नहीं करने देता, क्योंकि बीच में वो रुकआउट का काम करती है। यदि वो फैट का कम हो जाए तो डायरेक्ट जो वो एसिड है वो आपके खाने की थैली की दीवार को टच होगा और वहां घाव उत्पन्न कर देगा। दूसरा है कि आपके एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो कितना वो लेयर प्रोटेक्ट कर पाए। आप बहुत बिजी लाइफ जी रहे हो, इस वजह से भी आप हमेशा काम पे स्ट्रेस ले रहे हो, तो इस वजह से भी आपका एसिड बढ़ जाता है, वो पेट में अल्सर कर देता है। दूसरा, आप स्मोकिंग करते हो, उसमें निकोटीन होता है, तो वो क्या है, नर्व स्टिमुलेशन देता है, तो हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है जिससे वो एसिड रिलीज होता है स्टोमक के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है कि आप एल्कोहलिक हो, तो एल्कोहल क्या होता है कि खाने की थैली में एक फैट की लेयर होती है वाइट, उसको क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है। अगर वो लेयर कम हो जाएगी तो डायरेक्ट वो खाने की थैली की जो दीवार है उसको टच करेगा और वहाँ अल्सर बन जाएंगे। या आप स्पाइसी फूड खाते हो, वो भी स्टिमुलेशन करता है इस चीज़ को एसिड ज़्यादा बनने को, और उससे भी घाव हो जाएंगे। और स्पाइसी फूड तो आपको अपर चेस्ट में भी दर्द करेगा क्योंकि वो एसिड आपके, का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि जिससे रात को सीने में जलन ये सब होती है, तो ये सब कंडीशन है कि जो आपके खाने की थैली में वो अल्सर कर देते हैं। पर इसका पेन होगा खाना खाने के आधा एक घंटे बाद, तेज हल्का हल्का रह सकता है, पर तेज खाना खाते हो जाए इसका मतलब आपको खाना की थैली में है। या आपको खाने के बाद आपको वोमिटिंग हो रही है और उसमें आपको ब्लड भी लग रहा हो कि ब्लड भी आ रहा है, क्योंकि अब वो घाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके वहाँ की ब्लड वेसल्स को भी रैप्चर कर दिया है, तो आपके खाने की वोमिटिंग के साथ में ब्लड के धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। ये मोस्टली पेट में जो खाने की थैली में अल्सर होते हैं उसकी वजह से दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ड्यूडेनम, जो खाने की थैली से आंत स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, जो छोटी आंत का एक पार्ट है, उसमें भी अल्सर हो जाते हैं। जब अल्स हमारा पेट में क्या होता है कि एसिड बनता है, और एसिड ज़्यादा बन रहा है वो खाने के साथ जब वो ड्यूडेनम में जाता है, तो वो एसिड बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस ड्यूडेनम की दीवार को भी गलाना स्टार्ट कर देता है, वहाँ भी घाव उत्पन्न कर देता है। उसका दर्द होगा आपको खाना खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद। और एक और स्पेसिफिक पॉइंट है कि आप रात को सो रहे हो, रात को खाना खाने के बाद 2-3 बजे आपको पेट में दर्द हो, या फिर आप भूखे पेट हो और तब आपको दर्द हो रहा है, और जब खाना आप खा लेते हो तो आप नॉर्मल हो जाते हो, या फिर आप एक बिस्कुट पानी वानी कुछ भी खा लेते हो तो आपको उस दर्द में आराम मिल जाता है, इसका मतलब है आपके वो अल्सर हैं ड्यूडेनम में हैं, छोटी आंत में अल्सर हैं, घाव है। ये घाव किस टाइप के होते हैं, जैसे आपके कोई स्किन जल जाए या कट लग जाए या फिर आपके फोड़ा फुंसी हो जाए, उस टाइप का घाव हो जाता है, जब वो फूटने के बाद उस टाइप का घाव हो जाता है। और ये घाव आप सोच रहे हो कि आपकी स्किन पे, यहाँ मान लीजिए घाव कोई हो गया, उसको आप सोच सकते हैं कि 6-7 दिन लग जाते हैं उसको नॉर्मल होने में,
वो धीरे धीरे सूखेगा घाव, जब बाहर हम सूखा है तो। पर आपका पेट में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि वहां एसिड ना बने और वहां घाव सूखा रहे, तो इस घाव को ठीक होने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो आपको जो भी परहेज कर रहे हो इससे बचने के लिए, जैसे स्मोकिंग से होता है तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, अल्कोहल छोड़ना पड़ सकता है, या फिर आपको जो स्पाइसी फूड है ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेंगी, 1-1.5 महीने तक जब जाता है आपका घर पे इलाज हो सकता है। कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जो हमारे पेट में घाव और अल्सर कर देती हैं, मोस्टली जो दर्द को ठीक करने वाली दवाई होती हैं, यानी आपके कहीं दर्द हो रहा है उसके लिए जो दर्द दवाई लेते हो, जैसे डाइक्लोफेनिक लेते हो, मोस्टली तो यही मेडिकल पे आप दवाई लेते हो, तो ये दवाई क्या करती है कि हमारे पेट में एसिड का लेवल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो घाव अगर छोटा मोटा है तो वो घाव एसिड और लगेगा तो बढ़ जाएगा, इस कंडीशन से वहाँ घाव और बन सकते हैं। इन सब में अल्सर होने का एक कारण और है एच पायलोरी बैक्टीरिया। अब तक बैक्टीरिया एक होता है जो इन्फेक्शन करता है, ये बैक्टीरिया का टेस्ट होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है, जिसमें एक नली होती है उसमें आपको सांस देनी होती है, जैसे आप शराब का पीते हैं और उसके बाद में वो ट्रैफिक पुलिस वाले शराब चेक करने के लिए इस टाइप का टेस्ट करते हैं, वैसे यूरिया ब्रीथ एक टेस्ट होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है, वो भूखे पेट टेस्ट कराना होता है, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और इसके लिए आप एंडोस्कोपी करा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर कैमरा डाल के आपके पेट में देखता है। एंडोस्कोपी कैसे होता है इसकी पूरी जानकारी मैं ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। अब बात आता है कि सर वो ट्रीटमेंट की बात, देखो आपको पता ही चल गया कि स्मोकिंग से होता है, कुछ ऐसी दवाई ले रही हैं जो दर्द वाली उनसे हो सकता है, आप स्ट्रेस में हैं या स्पाइसी फूड खा रहे हैं जिससे एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए उस वजह से हो रहा है, तो इन सबको हम अवॉइड करेंगे तो हमारा धीरे धीरे अल्सर हो रहे हैं वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है बैक्टीरिया एच पायलोरी की वजह से हो रहा है तो आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, वो आप डॉक्टर को दिखा के ही जरूर लें। दूसरा, आपकी एसिडिटी बढ़ रही है तो आप एंटा एसिड जो डाइजीन वाली सिरप आती है, पिंक कलर की सिरप आती है, वो आप मेडिकल से मांगोगे तो वो आपको मिल जाएगी, जिसके आप खाना खाने के बाद 2 ढक्कन लेंगे तो वो आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे आपको एसिड लेवल कम होगा तो अल्सर होने के प्रिवेंशन मिलेगा, आपको ज़्यादा जलन नहीं होगी, वो आप 1.5-2 महीने तक लगातार आप वो ले सकते हैं। एक आता है कि खाना खाने से पहले पेंटोप की टैबलेट ले सकते हैं, जो एसिड को कम बनने के लिए कि ये दवाई काम करती है, तो आप वो ले सकते हैं जिससे आपका एसिडिटी भी कम रहेगी। अपनी लाइफ को आपको ज़रूर मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के लिए योगा कर सकते हैं, वार्म अप जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं हल्की फुल्की, माइंड को आप थोड़ा सा रिलैक्स रखें, ऐसा म्यूजिक सुन सकते हैं, और आप स्मोक करते हैं तो स्मोक बंद करो, अल्कोहल को भी बंद करना चाहिए, या आप अल्कोहल करते ही हैं तो लिमिट से अल्कोहल लें और उसके बाद आप साथ में खाना ज़रूर खाएं। एच पायलोरी बैक्टीरिया तो नहीं है, जिसका यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है वो टेस्ट भी आपको ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि ये अल्सर किस वजह से, आपको लंबे समय तक ये अल्सर रहते हैं और इतना ज़्यादा घाव उत्पन्न कर देते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, आपकी पोटी काली आ रही है, इसका मतलब आपकी ब्लीडिंग हुई है आपके अंदर ही अंदर और पोटी काली आ रही है उसकी वजह से, या आप वॉमिटिंग कर रहे हो, पलटी कर रहे हो, उस टाइम उसमें ब्लड आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपको वो सीरियस कंडीशन है, उस टाइम आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की बहुत ज़रूरत है। और अगर ऐसी लंबी कंडीशन तक आपको चलता रहता है तो ये धीरे धीरे यही अल्सर ठीक हो सकते हैं, पर ये नहीं दिखाओगे आप तो आपको कैंसर के रूप में चेंज हो सकता है। पेट के अल्सर की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, मैं हूँ मिस्टर श्याम। आपको ये वीडियो पसंद आता है या मानव शरीर की बीमारियाँ या बीमारियों से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।